अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जीडी मेटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, AIMIM के चाहने वालों के लिए एक बुरी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव के प्रेसिडेंट अब्दुल मलिक यूनिस पर कल रात 1 बजे के दरमियान में उन पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बताया जा रहा है उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, अभी इलाज उनका जारी है। मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मलिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने अभी ट्वीट करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, AIMIM के मालेगांव के सदर और साबेक मयूर अब्दुल मलिक को कल रात 3 बार गोली मार दी गई। उन्हें इलाज के लिए नासिक ले जाया गया है। मैंने उनके भाई डॉक्टर खालिद से फोन पर बात की। हम अब्दुल मलिक के खानदान के साथ मजबूती से खड़े हैं। एकनाथ शिंदे DJP महाराष्ट्र को फौरी इकदाम करने चाहिए, ये एक साजिश है, खातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये अवैसी साहब का कहना था।